इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। ठाणे मुंबई से है, जहां दो नाबालिग बच्चों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। ठाणे बदलापुर में लोगों ने बवाल काटा है। बदलापुर स्टेशन पर पुरतशद्दुद मुजाहिरा हुआ है। इतना ही नहीं, पुलिस से झड़प भी हुई है। मुजाहिरीन ने पथराव किया है। बदलापुर में रेल ट्रैक पर हजारों की भीड़ मौजूद है। वहीं ठाणे के बदलापुर में स्कूल में तोड़फोड़ की गई है। स्कूल में बच्चियों से यौन शोषण का इल्जाम लगा है। मामले की जांच के लिए SIT तश्कील दे दी गई है। वाजिर है कि महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने बदलापुर में हुई घटना की जांच के लिए सीनियर IPS अफसर आरती सिंह की सदालत में SIT की तश्कील का हुक्म दिया है। ठाणे पुलिस कमिश्नर को भी आज मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के लिए एक तजवीज करने का हुक्म दिया गया है, ताकि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। लेकिन लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और तस्वीरें ठाणे से है, जहां बदलापुर में लोगों ने बवाल काटा है। इसके साथ ही आपको बता दें, बदलापुर स्टेशन पर पुरतशद्दुद मुजाहिरा किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस से झड़प भी हुई है। मुजाहिरीन के जरिए पथराव किया गया है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बदलापुर स्टेशन पर लोगों ने जमकर बवाल काटा। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इस बवाल में जो लोग मौजूद हैं, बदलापुर में रेलवे ट्रैक पर हजारों की भीड़ मौजूद है, पुलिस को खदेड़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्कूल में बच्चियों से जिनसे इस्तेसाल का मामला सामने आया है, इल्जाम लगा है, और अब मामले की जांच के लिए SIT तश्कील दे दी गई है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने बदलापुर में इस पूरी वारदात के लिए जांच के लिए सीनियर IPS अफसर आरती सिंह की सदारत में SIT की तश्कील का हुक्म दिया है। पूरा मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इंतजामिया और सरकार इस पूरे मामले पर काफी तवज्जो देती हुई नजर आ रही है, और जांच के हुक्म भी दे दिए गए। SIT भी तश्कील कर दी गई है, लेकिन लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पर है, और लोग जमकर बवाल काट रहे हैं। बदलापुर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। हमारे नुमाइंदे अमजद हमारे साथ लाइव मौजूद जुड़ रहे हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अमजद, सूरत हाल क्या है? लोगों का गुस्सा तस्वीरों में बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए, लोगों का गुस्सा थमते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार जब से घटना हुई है, जब से इलाके के अंदर ये शोर हुआ कि दो नाबालिग बच्चियों के साथ जो है यौन शोषण हुआ है, उसके बाद जो इलाके के जो लोग थे काफी ज्यादा उग्र हो गए। अगर मुंबई से सटा बदलापुर का इलाका कहा जाता है, बदलापुर के स्टेशन के अंदर कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में जो लोग जो थे वो पहुंच गए, और कहीं ना कहीं ट्रैक के ऊपर बैठ के वो कहीं ना कहीं जो लोकल ट्रेन है जो मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो थी वो बाधित थी। हालांकि जो रेलवे CPRO का साफ तौर पर कहना था कि धीरे धीरे जो स्थिति जो है वो सामान्य हो रही है, लेकिन कल्याण के आगे जो है कोई भी लोकल ट्रेन जो है वो नहीं चल रही थी। तो कहीं ना कहीं मुंबई की जो लाइफलाइन लोकल ट्रेन कही जाती है वो कहीं ना कहीं 2 घंटे के करीब जो है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं असर दिखता हुआ नजर आया। और स्कूल की बात करें तो स्कूल परिसर के अंदर जमकर तोड़ फोड़ भी है। उनका साफ तौर पर लोगों की बात थी कि जो आरोपी है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, और जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि कलकत्ता का जो मामला है अभी तक का वो शांत नहीं हुआ। मुंबई के अलग अलग इलाकों के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर है लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद मुंबई का बदलापुर का जो मामला हुआ है, जिसको लेकर वहां की जो आवाम है काफी ज्यादा गुस्से में है।